पीपल, दिस इज चैनल सी टीवी एंड इस वीडियो में हम जो है म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SFM के PM के क्वेश्चन है हम वो फटाफट करेंगे, ठीक है। और जो है बीच में अगर लगेगा कि कंसेप्ट पढ़ने का है तो ये कंसेप्ट के थ्रू जो है हम उसको रिवाइज करेंगे, राइट। तो बिना किसी देर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्या बोल रहे हैं, ए कैन अर्न रिटर्न 16% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ इज ओन। खुद से ओन में अगर इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करा 16% का रिटर्न ले लेगा। अब नाउ ही कंसीडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। तो उसको लग रहा है कि इक्विटी में क्या इन्वेस्टमेंट करना, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में कर देते हैं, ठीक है। पर इनिशियल एक्सपेंडिचर जो है वो 5.5 लगेंगे एंड एनुअल रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब इनिशियल एक्सपेंडिचर ठीक है, एनुअल एक्सपेंडिचर जो है 1.5 लगेगा, वो भी रिकरिंग है, मतलब कि हर साल लगेगा, इनिशियल एक बार लग जाएगा। हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न, अब कितना म्यूचुअल फंड को अर्न करना चाहिए ठीक है टू प्रोवाइड मिस्टर ए रिटर्न ऑफ 16%। ताकि देखो वो 16% छोड़ गया है इधर, तो भैया म्यूचुअल फंड में कितना अर्न करना चाहिए, कम से कम वो 16% तक तो पहुँचे, ठीक है। तो ऐसे केस में ना हम समझो ये हमारे कंसेप्ट में आएगा रिटर्न कैलकुलेशन एंड कंपोनेंट में, पाँचवें नंबर के पॉइंट में रिटर्न कैलकुलेशन एंड कंपोनेंट में म्यूचुअल फंड की अर्निंग, म्यूचुअल फंड की अर्निंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनल अर्निंग या अल्टरनेटिव अर्निंग, अल्टरनेटिव अर्निंग हमारी है 16%, ठीक है। अल्टरनेटिव अर्निंग हमारी 16% है। 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर को डेसिमल में लिखो, 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर वो कितना है 0.055 प्लस रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब रिकरिंग एक्सपेंडिचर को आप फिगर में लिख दो, ठीक है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर को फिगर में लिखो तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर 1.5% है, तो डायरेक्ट उसको 1.5 लिखो। तो हम क्या समझे, 16 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.05 है, फिर जो अमाउंट आएगा प्लस 1.5 तो आ रहा है तुम्हारा 18.43%। बस याद रखना कि जो हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसको फिगर्स में लेंगे और जो है इनिशियल एक्सपेंडिचर को हम जो है डेसिमल में लेंगे। या तो ऐसा याद रख लो क्या डिवाइड डिनोमिनेटर में जो है उसको डेसिमल में लेंगे, बाकी सबको फिगर में लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे 18.43% आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब तक जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आती बात हमारी क्वेश्चन नंबर 14 की, तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द यूनिट प्राइस ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। देखो पेन पेपर लेके बैठो, समझो कि जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है उसका यूनिट प्राइस जो है ऑफ अ म्यूचुअल फंड 10 रुपी, यूनिट प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड जो है 10 रुपी है, पब्लिक ऑफर प्राइस है 10.204। तो यूनिट प्राइस जो है वो यूनिट प्राइस ELSS का है 10 रुपी, पब्लिक ऑफर प्राइस है 10.24 और रिडेम्पशन प्राइस 9.80। फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड कैलकुलेट करना है। चलो नोट्स में देखो कवर है क्या फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड हमारा। देखो सिंपल सी बात है, आपको तीन चीज़ दे के रखी है, यूनिट प्राइस दे के रखा है, POP दे के रखा है, रिडेम्पशन प्राइस दे के रखा है। अब जब परचेस करते देखो कैलकुलेट करना है हमको फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड। अब फ्रंट एंड लोड जो है देखो यूनिट प्राइस समझो इसको ऐसे दे के रखा है, जैसे कि ये तुम्हारा यूनिट प्राइस है, पब्लिक ऑफर प्राइस तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो तुम ज़्यादा ऑफर कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक में तो तुम बोल रहे हो कि भैया 10.204 में ही बिकेगा, यूनिट प्राइस हमारी 10 है। क्यों भैया, क्योंकि 0.204 हमारा फ्रंट एंड लोड है ऐसा। फिर यूनिट प्राइस है, नीचे रिडेम्पशन प्राइस है, इसको बोलते हैं बैक एंड लोड, ठीक है। बिकेगा तो सस्ते में बिकेगा, और जो रिडेम्पशन मतलब कि इशू होगा तो महंगे पे इशू होगा, और रिडेम्पशन होगा तो सस्ते पे रिडेम्पशन होगा। तो सिंपल सी बात है, POP माइनस यूनिट प्राइस डिवाइड बाई यूनिट प्राइस, ठीक है। बेस तुम्हारा यूनिट प्राइस होना चाहिए, बेस हमेशा यूनिट प्राइस होना चाहिए, ठीक है। तो POP माइनस यूनिट प्राइस डिवाइड बाई यूनिट प्राइस। और इधर भी यही है कि यूनिट प्राइस माइनस रिडेम्पशन प्राइस मतलब जो भी है ये डिफरेंस डिवाइड बाई यूनिट प्राइस। तो कर लेते हैं कैलकुलेट, POP क्या है 10.204 डिवाइड माइनस यूनिट प्राइस है हमारा 10 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो क्या है हमारा 10.204 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, ठीक है, और इन 200 कर दो, ऑब्वियस सी बात है, तो 2.04 आ जाएगा। और रही बात है बैक एंड की, तो बैक एंड में भी यही है कि रिडेम्पशन प्राइस है हमारा
तो 10 - 9.8 डिवाइड बाय 9.8 मत कर देना, यूनिट प्राइस तुम्हारा बेस रहेगा इंटू 100 करोगे तो ऐसे आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है चलो, तो इस तरीके से अपन ने कर रहे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एन इन्वेस्टर ने परचेस करे है म्यूचुअल फंड 12.25% पे, 12.25 रुपीज़ पे ऑन 31 दिसंबर 9। ठीक है, यूनिट है 300 और प्राइस है 12.25। ठीक है, अब 31 दिसंबर 10, ठीक है 31 दिसंबर 10 रिसीव, ही हैज़ रिसीव 1.25। ठीक है, 1.25 डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न का कंपोनेंट नंबर 1 डिविडेंड और रिटर्न का कंपोनेंट नंबर 2 1 कैपिटल गेन पर यूनिट। लो, अब रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इफ़ द एनएवी एज ऑन दिसंबर 31 दिसंबर 2010 से 13। अब रिटर्न ऑन नेट इन्वेस्टमेंट, अगर उस टाइम का एनएवी अगर हम देखें वो 13 आता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ़ द एनएवी इफ 13, तो सिंपल सी बात है समझो, 12.25 ऐसे 13 हो गया, तो वो भी 0.75 बढ़ गया। ये देखा जाए तो 1.25 और 1 भी बढ़ गया, तो 1.25 1 तो ऐसे करके हो रहा है 3 रुपये गेन। क्या बोल रहे हैं, रिटर्न ऑन एनएवी निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो अगर एनएवी 13 हो, समझते, 3 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आ रहा है 3 रुपये। अब 3 रुपये तो अमाउंट में आ गया है, तो हम परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको सिंपल सी बात है परसेंटेज में भी निकालना ही पड़ेगा। तो 12.25 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग में तो 12.25 है, और सिंपल सी बात है अपन ने पढ़ा था कि रिटर्न के अगर अपन कंपोनेंट देखे तो रिटर्न में एक तो देखो 3 कंपोनेंट होते हैं, एनएवी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010, इफ़ ऑल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड। ये बोल रहे हैं कि जो तुमने अभी रिटर्न निकाला, जो क्या निकाला तुमने रिटर्न 24.49% जो भी है, 24.49% निकाला, वो तो तब निकाला जब तुम्हारे पास 3 कंपोनेंट थे। ठीक है ना, अब ये बोलना चाह रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 अब निकालो जब ऑल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन आर री इन्वेस्टेड इंटू एडिशनल यूनिट। तो ये री इन्वेस्ट हो गए, ठीक है, तो ये जो रिटर्न 1 और रिटर्न 2 तुम्हारे हैं वो री इन्वेस्ट हो गए। ठीक है, री इन्वेस्ट हो गए इन एडिशनल यूनिट्स ऑफ फंड 12.5। ठीक है, तो ये री इन्वेस्ट हो गए। अब सबसे पहले भैया कितना रुपये री इन्वेस्ट हुए, अगर हम पर यूनिट की बात करें तो 1.25 और 1 2.25, 2.25 इंटू 300 675। अब ये जो है 675 यूनिट है, सिंपल सी बात है ये री इन्वेस्ट होंगे 12.5 पे, तो 675 डिवाइड बाय 12.5 री इन्वेस्ट हो रहे हैं 12.5 पे, तो ऐसे 54 यूनिट आ गए। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि पहले 300 यूनिट थे, अब 354 यूनिट हो गए, तो जो 300 यूनिट थे वो 12.25 पे थे, अब 354 यूनिट हो गए हैं वो 13 रुपीज़ पे, तो ये आ रहा है 927। अब ये जो 927 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम परसेंटेज में अगर निकालें तो हमारा ओपनिंग क्या था, 300 यूनिट और 12.25 3675, वो 927, करो कैलकुलेट 25.22% आ रहा है। तो हमारा इजी क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया, इतना कुछ खास क्वेश्चन था नहीं है। ठीक है, ये हमारा आ गया एनएवी, जो है रिटर्न आ गया 25.22%। चलो एक और क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, वो 18वां क्वेश्चन में हम करते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन देखते हैं, ये है SBI म्यूचुअल फंड, एनएवी है एट द बिगनिंग 8.5। ठीक है, 8.5 एनएवी बिगनिंग में है, एट द एंड ऑफ ईयर एनएवी जो हो गया है वो 9.10 हो गया है। अब मीन वाइल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट करा है 0.90 हमारा डिविडेंड, 0.75 हमारा कैपिटल गेन, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब व्हाट्स फंड्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज़ द फंड रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब फंड का रिटर्न क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है रिटर्न के 3 कंपोनेंट होते हैं, 9.1 में से अपने 8.5 माइनस किया, चेंज इन एनएवी आ गया, 0.75 हमारा कैपिटल गेन है, 0.90 हमारा डिविडेंड है, तो एक तरीके से आ गया हमारा 2.25। ठीक है, अब ठीक है, हैड दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैड बीन री इन्वेस्टेड एट द एवरेज एनएवी 8.75। अब वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, ये जो 2.25 है ना, ये 2.25 अभी तो नंबर ऑफ यूनिट नहीं देख रखा है, पर ये जो री इन्वेस्ट होंगे ना वो एट एनएवी होंगे, और एनएवी जो है 8.75 और एज्यूमिंग 200 यूनिट, तो ठीक है ना, 200 यूनिट है,
तो 200 यूनिट है, 2.25 जो है इतना हम भी इन्वेस्ट कर देंगे, और एनएवी कितनी है 8.75 की एनएवी है। तो कायदे से देखा जाए तो 51.4286 दिख रहे हैं यूनिट। अब वन सेकेंड इधर एक गड़बड़ हो गई। री इन्वेस्टमेंट किसका होगा? री इन्वेस्टमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है उसका री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इधर जो है ये टोटल मत ले लेना, डिविडेंड हमारा 0.90 प्लस 0.75, ठीक है 0.90 प्लस 0.75 1.65, इसको मल्टीप्लाई करो 200 से और डिवाइड करो हमारे 8.75 से, तब जाके जो आएगा 37.71 यूनिट आएगी। मतलब कि पुरानी यूनिट थी हमारी 200, नई यूनिट आ गई 237.71, पुराना प्राइस था हमारा 8.5 और है हमारा नया प्राइस वो है 9.10। तो देखो 237.71 इंटू 9.10 ये हमारा आ गया, और 200 इंटू 8.5 ये इस तरीके से 463 आ रहा है हमारा अमाउंट। अब पॉइंट ये है कि 463.16 है ना, तो 200 इंटू 8.5 463.16 जो है इंटू ओपनिंग एनएवी तो ओपनिंग एनएवी क्या है हमारा 1700, एक तरीके से 27.24% आ जाएगा। छोटी सी बात का ये ध्यान रखना कि इसमें भाई डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के रीइन्वेस्टमेंट की बात करें, और ऑब्वियस सी बात वही है एनएवी को मत ले लेना। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2.25 इंटू 200 मत कर लेना बस। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा ऑन 1 अप्रैल 2009 फेयर रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। 1 अप्रैल 2009 फेयर रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड हैज़ द फॉलोइंग असेट एंड प्राइजेस एट 4 PM। तो 1 अप्रैल 2009 के देख रखे हैं, शेयर्स देख रखे हैं, मतलब वही म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट शेयर्स देख रखे हैं और मार्केट प्राइस देख रखा है, ठीक है। अब शेयर तो मार्केट प्राइस देख रखा है और ऑब्वियसली बात है तो ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है। सबसे पहले ये तो यूनिट इशू करेंगे, पैसे आएंगे, ये पैसे आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराए, और ये इन्वेस्टमेंट की डिटेल है, ठीक है। एनएवी जो है ऑफ द फंड 1 अप्रैल 2009, ठीक है ये एनएवी है। चलो एज्यूम दैट ऑन 1 अप्रैल 2009 मिस्टर एक्स HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सेंड अ चेक 50 लाख टू द फंड एंड फंड मैनेजर इमीजिएटली। तो ठीक है, अब ऑन 1 अप्रैल 2009 ही एक ने क्या किया कि पैसे दिए, ठीक है। तो जैसे कि हम यूनिट इशू करके पैसे देते हैं, तो ऐसे ही सामने वाले ने पैसे दिए 50 लाख के टू द फंड एंड फंड मैनेजर इमीडिएटली रिपर्चेसेस 18,000 शेयर ऑफ सी लिमिटेड। तो उसने क्या किया फंड मैनेजर ने कि चलो उसने पहली फुर्सत में सी के शेयर परचेस कर लिए 18,000। अब 18,000 सी के शेयर परचेस करें तो ऑब्वियस सी बात है जब 264 का भाव था तो इंटू 264.40, तो भैया कितने इन्वेस्टमेंट कर लिया उसने, वो है 4759200। अब ये जो 4759200 है ये उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड के पास अब जो असेट है, जो पहले अगर अपन देखा जाए तो 10,000 शेयर थे, अब 10,000 शेयर की जगह 28,000 शेयर हो गए, ठीक है ऑब्वियस सी बात है। और बैलेंस हेल्ड इन द बैंक पोजिशन ऑफ फंड, वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ फंड। अब नाउ सपोज 2 अप्रैल 2 तारीख को मार्केट प्राइस ये है, अब 2 तारीख को मार्केट प्राइस ये है, अब हमको एनएवी निकालनी है। तो देखो 10,000 थे ए लिमिटेड के, बी के 50,000 थे, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग को क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर रहा हूँ, तो तीसरा अपना था 10,000, ठीक है ये अपने ओपनिंग के थे, ये 1,00,000 है, ये हमारा ई लिमिटेड के 30,000 थे, ठीक है। अब चेंज किस में नहीं हुआ है, सी लिमिटेड में चेंज हुआ है, सी लिमिटेड जो है ये 10,000 की जगह हो गया है 28,000, ठीक है। अब रही बात प्राइस की, ये सी लिमिटेड 10,000 की जगह 28,000 हो गया है, बाकी जो है एक नया कैश बैंक बैलेंस जो 24,000 दिखा रहा है, बाकी अपनी ओल्ड प्राइस है, ठीक है। ओल्ड यूनिट को ओल्ड से मल्टीप्लाई करो, नए यूनिट को नए शेयर्स को नए प्राइस से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से हमको करना है। बस ये याद रखना कि सी लिमिटेड में जो है 28,000 आ जाएगा, देख लो ये सी लिमिटेड, ये तो ओपनिंग पूरा डिवाइस पोजिशन निकाल ली फंड की 24,000, ये तो डिवाइस पोजिशन है फंड की, डिवाइस पोजिशन है फंड की, कि अब 264.40 के ऊपर है, ये जो है 264.40 ये 28,000 के ऊपर है, देखे तो डिवाइस पोजीशन। तो सबसे पहले ऐसा करो, आप तो पहले ओल्ड पोजीशन निकाल लो पूरी, जहाँ पे 10,000 इंटू 19.70 एम प्लस करो 1,97,000 एम प्लस करा, 50,000 इंटू 482.60 करा, फिर हमने सी लिमिटेड का करा
10,000 इंटू 264.40, 1,00,000 इंटू 674.90, ठीक है, और है 30,000 इंटू 25.90, ऐसे 9,52,38,000 ये आता है अपना क्लोजिंग, ठीक है, ये ओल्ड है। अगर हम रिवाइज जो पोजीशन देखें, रिवाइज पोजीशन देखें, तो कायदे से अगर हम देखें तो बढ़ गया ना, ये क्या बढ़ा, सी लिमिटेड जो है 18,000 बढ़ गया, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो है 18,000 हमने शेयर परचेस करे 264.40 के, तो एडिशनल में प्लस अपन करते हो 4,759,200 वो सी लिमिटेड के, और साथ ही साथ जो है माइनस 50,00,000 करे तो 2,408,00,000 एक तरीके से हो गया हमारा बैंक, ठीक है। तो शेयर्स की बात करें तो शेयर्स सी लिमिटेड के हो गए 28,000। ये रिवाइज पोजीशन कुछ इस तरीके से आएगी कि 9,52,38,00 प्लस 50,00,000 कर दो तो 1,452,38,00 ये सब पोजीशन आना चाहिए, पर ये पोजीशन नहीं है, ये वन सेकेंड, ओके, कैलकुलेशन एरर था, मतलब वही 50,00,000 हम ऐड करेंगे तो 1,00,02,38,00 आ जाएगा, ये हमारी रिवाइज पोजीशन आ जाएगी। अब जो है 2 तारीख की इन्होंने दे के रखी है डिटेल्स, तो इसकी प्राइस दे के रखी है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे शेयर्स को इनसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इस तरीके से जो है 1,027,827.00 आ जाएगा, और इसकी हमारी एनएवी आ जाएगी, ठीक है, इसकी एनएवी निकाली हमने, इसकी एनएवी निकाली, तो हम क्या समझे, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द एनएवी, हमसे तो एनएवी पूछा है, हमसे कोई रिटर्न विटर्न नहीं पूछा है, तो मैं जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर रहा था, नहीं, हमसे एनएवी पूछा है, तो एनएवी तो क्या है, क्लोजिंग जो मार्केट वैल्यू है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दो, तुम्हारी एनएवी आ जाएगी, तो ओल्ड पोजीशन, रिवाइज पोजीशन और एनएवी। सी, अब थोड़ा सा इधर ध्यान रखना कि जब आप रिवाइज पोजीशन निकालोगे तो हमको एनएवी निकालनी पड़ेगी, तो एनएवी में ध्यान रखना कि यूनिट्स आपके बढ़ जाएंगे। देखो 1 अप्रैल को ही एचएनआई ने चेक सेंड करा, तब 1 अप्रैल को जो हमारा उसके पहले की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारा जो है एनएवी था 119.05 पर शेयर, तो उसके हिसाब से हम जो है यूनिट्स इशू करेंगे, तो जो 50,00,000 के जो यूनिट इशू करे हैं वो इसी बेसिस पे इशू करे हैं, तो इसी बेसिस पे जो है 8,42,000 हमारा आया है, ठीक है। फिर हमने एक रिवाइज एनएवी निकाल ली है, ये जो है छोटी छोटी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, और इस तरीके से जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ओवर होता है, इतना कुछ खास नहीं था, बट ये जो है समझने का कि हम ओल्ड एनएवी निकालेंगे, नया इन्वेस्टर आएगा पैसे लेकर आएगा तो हम बकायदा उसके पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे, कुछ कैश भी बचा हुआ रहेगा, नए शेयर्स बन जाएंगे, यूनिट्स इशू करेंगे, तो जो यूनिट्स इशू करेंगे तो वो तो उसके पहले की जो ओल्ड एनएवी है उसके हिसाब से ही यूनिट इशू करेंगे, हमारे जो है एक रिवाइज एनएवी आ जाएगी, ठीक है। अब रिवाइज एनएवी आने के बाद जो है और हमारा जो है फिर जब न्यू एनएवी निकालना रहेगा तो हमारे पास सिंस इधर से इन्वेस्टमेंट के रूप में शेयर बढ़ गए हैं, उधर जो है यूनिट्स बढ़ गए हैं, तो इस तरीके से हम बेटर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आती है बात अब हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, बाय ने इन्वेस्टमेंट करे हैं इन 3 म्यूचुअल फंड एज पर द फॉलोइंग डिटेल, भैया अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है, एनएवी परचेस करते टाइम तो ये थी, कुछ डिविडेंड भी हमको रिसीव हुआ है अप टू ईयर एंड, और एनएवी ईयर एंड की हमको दे के रखी है, और इफेक्टिव एनुअल यील्ड दे के रखा है पर एनम, मतलब कि वही इफेक्टिव एनुअल यील्ड दे के रखा है, वो तो पर एनम ही होता है 9.66, तो ये सब। अब देखो हम जो निकालते हैं हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालते हैं, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिवाइड बाय होल्डिंग पीरियड इनटू एनुअल पीरियड कर दो तो हमारा एनुअल रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते समझते हैं क्या है। मिस्टर वाई हैज़ मिसप्लेस्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, उसने अपने इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट को ही मिसप्लेस कर दिया। अब उसको ये समझना है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कब करा था, ठीक है, हेल्ड इन फाइंडिंग द डेट ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर एसरटेनिंग द फॉलोइंग, ठीक है, तो पहले आप ये फाइंड कर लो और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की डेट बता दो। तो नंबर ऑफ यूनिट इन ईच स्कीम, तो ये क्या बात हुई, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 2,00,000, 4,00,000, 2,00,000 है तो एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज है 10.30, तो नंबर ऑफ यूनिट तो ऐसे निकल जाएगा, तो अमाउंट कितना है हमारा 2,00,000, 4,00,000, ठीक है, तो 2,00,000 डिवाइड बाय 10.30 करा हमने तो 19,417.47 आ गया, ठीक है, तो इसको अपन ने 48 ले लिया। इस तरीके से जो है
इधर भी देखे तो 4 लाख है डिवाइड बाय 10.10 आ गया, तो 39603.96 आ गया, 39603.96। और जो आती है बात जो है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख डिवाइड बाय 10, ये आ गया हमारा 20,000। ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गया, तो ये 20,000 आ गया, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गया। अब टोटल एन ए वी, भैया टोटल एन ए वी क्या है? तो एन ए वी एट द टाइम ऑफ परचेज, तो समझ में आ गया, ठीक है। रेट दे के रखे थे एन ए वी 0 के, रेट दे के रखे 10.3, 10.10, 10। अब जो है देखा जाए तो एन ए वी एन ऑन 31/3/2018, ये एन ए वी 1 दे के रखा है, ठीक है। अब रिटर्न विटर्न कैलकुलेट नहीं करना है हमको, डायरेक्ट एन ए वी बोला है, टोटल एन ए वी। तो ऐसा करो कि 10.25 10 और 10.20 के हिसाब से कर लो, ओके, इन्होंने भी ऐसे ही करा है। और टोटल एन ए वी मतलब कि वो तीनों म्यूचुअल फंड का टोटल एन ए वी पूछ रहा है, ठीक है। अब टोटल ईल्ड, इधर इंपॉर्टेंट है कि टोटल ईल्ड निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर जब पूछ रहे हैं टोटल ईल्ड का, तो एक्स वाई जेड, एक तो चेंज इन एन ए वी है हमारे पास, एक है और एक हमारा ईल्ड है देखा जाए तो सिंपल सी बात है। देखो हमें टोटल ईल्ड निकालना है, हमें पुराना एन ए वी पता है, हमें जो है नया एन ए वी पता है, तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे जो यूनिट्स है वही यूनिट्स है 19417.48 39603.96, 20,000 है ये, 20,000 है, ठीक है। अब रही बात है कि एन ए वी एट द टाइम ऑफ परचेस और 31/18, तो परचेस हमारे 10 पॉइंट, तो देखो सेल करा 10.25 पे, नहीं देखो एन ए वी 31/18 की 10.25 है, -10.30 कर दो तो ये नेगेटिव आ गया, ये करा 10 -10.10, ये नेगेटिव आ गया, 10.20 -10.10, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। ईल्ड की बात करें तो डिविडेंड ईल्ड भी तो है, अगर तूने एन ए वी देखा है जिसको 6,000 एक्स में है 0 और 5,000 है, ये भी तो देखो, फिर आप निकालो टोटल, निकालो टोटल क्या आ रहा है हमारा भाई 10.25 -10.30 है, एक्स की बात करें 19417.48 है, तो ये है 970.873, ठीक है, तो 970 आ गया, तो ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो 970.83 हमने एम माइनस कर दिया, 6,000 जो है हमने एम प्लस कर दिया, तो ये हमारा गया 5029। इस तरीके से ही हमने जो है 0.10 हमारा वाई की मैंने देखे तो 39603.96, ये है 3960.40, ये हमारा लॉस है, ये भी एम माइनस है। इस तरीके से हमने जो है निकाला, कैलकुलेट करा। अब जो जो है यील्ड की बात करें तो यील्ड जो है वैल्यू में भी निकालते हैं, परसेंटेज में भी निकालते हैं। अब ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, कितने डेज तक इन्वेस्टमेंट रखा है। अब मुझे बताओ ये जो तुम यील्ड निकाल रहे हो ये 5029.17 3960.409,000, ये यील्ड है ना पूरा, ठीक है। अब इसका एन ए वी 0 होगा, कितना है एन ए वी 0 हर एक का? 2 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो है हमारा ये यील्ड जो हमने निकाला है, ये अगर हम इस पर कैलकुलेट करें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करें, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ परसेंटेज ऑफ यील्ड आएगा, वो इफेक्टिव एनुअल यील्ड आएगा। हमको तो टोटल यील्ड ही निकालना है ना, यही तो यील्ड आएगा। चलो करते कैलकुलेट एक्स वाई जेड का, तो हमने कैलकुलेट करा तो भाई 5029.17 डिवाइड बाई 2 लाख है इंटू 100 है, 2.51 आया। अब ये जो है 2.5146 या 0.9901, ये है 4.5, तो इधर यील्ड पॉजिटिव है, ये इधर यील्ड नेगेटिव है बी में, ये 4.5 पॉजिटिव है। ये जो यील्ड है इसका पीरियड क्या है? ये 365 डेज की यील्ड है, सॉरी ये 365 डेज के यील्ड की जगह, मतलब ये बोलने का था कि ये जो यील्ड है, ठीक है, ये हमने जो निकाला है ये तो एक्चुअली होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। अगर हम देखें हमारा कैपिटल यील्ड आ गया, हमारा डिविडेंड यील्ड आ गया, ये जो रिटर्न है ये तो हमारा वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। ये यील्ड जो है, यील्ड मार्केट प्राइस पे होता है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड टोटल जो होता है वो एनुअल पूरे पीरियड का होता है। ये जो हम म्यूचुअल फंड पे यील्ड निकालते हैं,
ये तो हम मार्केट प्राइस, हम तो ये जो यील्ड निकालते हैं ये तो होल्डिंग पीरियड यील्ड होता है। तो अगर मेरा 2.5416 मेरा होल्डिंग पीरियड का रिटर्न है, ठीक है, और एनुअल जो है यील्ड मेरा दे के रखा है क्वेश्चन में 9.66, तो 2.5146 डिवाइड बाय 9.66 देखा जाए तो 0.26 ईयर ही है जो है हमारा होल्डिंग पीरियड है। तो 3 × 365 करें तो 95 डेज आता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 95 डेज है। जब पीरियड ऑफ होल्डिंग 95 डेज है, ठीक है, और जो है हम बताओ फिर कब जो है आपने इसको री इन्वेस्ट करा था, कब जो है आपने इसको परचेस किया था, सॉरी। तो हम 31 मार्च तक अगर हम देख रहे हैं तो 31 मार्च में से 91 डेज माइनस कर दो, मार्च के 31 माइनस करें, मार्च के बाद क्या आया फरवरी, फरवरी के 28 माइनस करें तो 31 प्लस 28, फिर जनवरी, जनवरी के 31 है ये 90, अब 91 है तो दिसंबर ले लो, 31 दिसंबर सॉरी ये 95 डेज है, ठीक है, अब 5 दिन बचे हुए हैं तो 26, 27, 28, 29, 30, 31। सो इस तरीके से जो है हमने डेट ऑफ ओरिजिन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया। उसमें याद रखना कि 26 तारीख की डेट है ना, तो दिसंबर के सिर्फ 5 दिन लेंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डेट अगर 26 तारीख है तो तुम दिसंबर के सिर्फ 5 दिन लोगे, ठीक है, तो ओरिजिन इन्वेस्टमेंट की डेट नहीं लेते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन करा है, समझ में आ गया हो तो म्यूचुअल फंड का यील्ड जो है होल्डिंग पीरियड ही होता है कैलकुलेट, ठीक है, तो जो रिटर्न होता है ऑलवेज कैलकुलेट एज होल्डिंग पीरियड। समरी करें इसकी तो सिंपल सी बात है, हमने क्या निकाला, देखो ये सारी यील्ड विल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट हमने निकाले थे, हमने नंबर ऑफ यूनिट निकाला, फिर हमने एनएवी निकाला, ठीक है, फिर एनएवी निकाला, फिर हमने ये देखा कि भैया कैपिटल यील्ड तो हो रहा है, डिविडेंड यील्ड भी हो रहा है, तो टोटल यील्ड म्यूचुअल फंड का कितना है। अब टोटल यील्ड जो म्यूचुअल फंड का है ऑब्वियसली वो होल्डिंग पीरियड रहता है, अब होल्डिंग पीरियड है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड हमको दे के रखा है, ठीक है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड हमको दे के रखा है, तो इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है, कि हमने प्रपोर्शन निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 365 कर दिया, ओके। तो देख लीजिए कि हम जो है एक और जो है MF म्यूचुअल फंड बाय का हम कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा 4 लाख, NAV है 10.10, डिविडेंड रिसीव हुआ है 0, NAV है 10.25, सॉरी NAV है 10, ठीक है, क्लोजिंग की NAV हो गई हमारी 10, और इफेक्टिव एनुअल यील्ड है हमारा माइनस है शायद -11.66, ठीक है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड जो है हमारी -11.66 है। अब देखो करो कैलकुलेट, नंबर ऑफ यूनिट नहीं की स्कीम, तो हम कैलकुलेट कर लेते कि भैया 4 लाख है, 4 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन ईच स्कीम 10.10 है, तो आ गया 39603, ये 39603 हमारी नंबर ऑफ यूनिट आ गई, ठीक है, ये हमारी कैलकुलेट हुई 39603.96 हमारी नंबर ऑफ यूनिट आ गई। चलो दूसरा है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करो टोटल NAV। अब टोटल NAV के लिए हमको सिंपल सी बात है, टोटल NAV के लिए हमको सबका NAV निकालना पड़ेगा, बट ऐसा है हम पहले वाई का भी तो निकाल लेते हैं NAV, तो 4 लाख × 10 कर दिया तो क्या 40 लाख, ठीक है। अब समझो ये गड़बड़ हो गई, 4 लाख अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको 10 क्यों कर रहे हो आप, ये तो यूनिट्स को करते हैं ना, तो ये आपने सिली मिस्टेक मत कर लेना। तो यूनिट्स कितनी है हमारी 3960 कर दिया तो 3960.39, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब पूछ रहे हैं हमसे टोटल यील्ड, तो इसका यील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 3960 3.96, ठीक है, तो 3960 3.96 है। फिर जो है NAV की बात करें, एट द टाइम ऑफ रीपर्चेस 10.1 है और एज ऑन ये है 10, ठीक है, तो अब देखो 0.10 हमारा कम हुआ × 0.10, तो देखो अपना क्या हुआ 3960.396, ये हमारा नेगेटिव यील्ड है, तो 3960.40 ये नेगेटिव यील्ड है। अब समझो ये जो नेगेटिव यील्ड है 3960.40, तो 3960.40, ठीक है, नेगेटिव यील्ड है, डिवाइड बाय अगर हम करें तो आता है 4 लाख, ठीक है, × 100 करेंगे तो 0.9901, अब ये जो है 0.9901 ये आपका होल्डिंग पीरियड यील्ड है, डिवाइड करोगे आप इसको, हमारा इफेक्टिव एनुअल यील्ड कितना है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड है हमारा -11.66, तो डिवाइड किया, ठीक है, 11.66 से, तो इसको इंटू करा 365 से, तो 30.99 मतलब 31 डेज़ की बात आ रही है। अब 31 डेज़ की बात है तो कैलकुलेट करो, सिंपल सी बात है कि आप 28 फरवरी ले लेना, 28 फरवरी आ गया इधर, क्योंकि 28 फरवरी को नहीं गिनेंगे और 31 मार्च पूरे गिन लेंगे, तो इस तरीके से हमने ये जो है
क्वेश्चन कर लिया। चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये आएगा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो करें, देखो 1/7 2010, 1/7 2010 एक्स ने इन्वेस्ट करे 50,000, ये 50,000 इन्वेस्टमेंट करे, इनिशियल ऑफर इन म्यूचुअल फंड एट अ फेस वैल्यू 10, तो यूनिट है फेस वैल्यू 10 है, 31/3/11, तो भैया 1/7 10 और 31/3/11 कितना फ़र्क है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ, अच्छा 31/3/11 को डिविडेंड कितना पे हुआ, 10%, ये डिविडेंड है, और एनुअलाइज यील्ड वॉज 20%, तो एनुअलाइज यील्ड है 120%, मतलब वो तो ऑब्वियस की बात है 12 महीने का है, अब 9 महीने का निकाल लेना, अब 31/3/12, ये 31/3/12, 31/3/12 को अगर हम देखें तो 20% डिविडेंड एंड कैपिटल गेन 0.60 पर यूनिट, अच्छा डिविडेंड 20% है और जो है कैपिटल गेन है 0.60 पर यूनिट। मिस्टर एक्स रिडीम ऑल हिज 6271.98 यूनिट व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 71.50, तो क्या किया है मिस्टर एक्स ने, रिडीम कर ली सारी 6271.98 यूनिट, अच्छा तो होशियार ने रिडीम कर ली 6271.98 यूनिट। ठीक है, और एंड व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड, व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड, तो ही एनुअलाइज्ड यील्ड जो है 71.50 है, तो ये तो 12 महीने का है, और हमारा पहले एक 9 महीने का पीरियड है और एक दूसरा 12 महीने का पीरियड है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो एनुअलाइज यील्ड वॉज 71.50 ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग। चलो कंसिडर ईयर ऑफ 12 मंथ। ठीक है, अब जो है सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को करते हैं, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट एनएवी 31/3/11 की, 12 की, 13 की, तो भैया 11 की क्यों, क्योंकि कैलकुलेट करना है। ठीक है, 12 की, ठीक है 12 की भी, अच्छा 12 के आगे भी क्वेश्चन था क्या, मिस्टर एक्स रिडीम 6271.98 यूनिट व्हेन हिज एनुअलाइज यील्ड ऑफ 71.50 ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग। चलो समझते हैं, तब एनएवी की बात करें तो कैलकुलेट करते हैं, देखो यील्ड की बात करें तो यील्ड में तो सिर्फ डिविडेंड यील्ड है, एनुअलाइज यील्ड आपको जो है 120% दे के रखा है, तो कितना दे के रखा है, अगर हम देखें 120% एनुअलाइज यील्ड दे के रखा है, तो 120% डिवाइड बाय जो है 12 × 9 कर दो तो 90%, ये 90% आपका यील्ड है और डिविडेंड है 10%, ठीक है, तो यील्ड फॉर 9 मंथ है आपका 90%, तो सिंपल सी बात है 50,000 × 90% हमने 50,000 में प्लस करा हमने 90%, ये हमारा हुआ 95,000, ये 95,000 हुआ हमारा। ठीक है, ये 95,000 हुआ हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो है, अब सिंपल सी बात है, जब यील्ड दे के रखा है तो फिर डिविडेंड अलग से ऐड करने की क्या जरूरत है, हमको कौन सा कंपोनेंट निकालना है, हमको तो एनएवी निकालना है, हमको एनएवी निकालना है। ठीक है, तो ये 95,000 दे के रखा है, तो एनएवी जो है 95,000 है, उसमें से सॉरी इधर हमने जो है निकाला है यील्ड, ये जो यील्ड है एनुअल यील्ड है 120%, तो एक तरीके से 90% ऐड करके हमने 95,000 हमारी मार्केट वैल्यू निकाली। अब मार्केट वैल्यू निकाली है तो सिंपल सी बात है कि हम उसमें डिविडेंड माइनस करेंगे, क्योंकि उसमें डिविडेंड का भी रोल है 10% का, 10% मतलब कि 5,000, तो 90,000 है, तो एनएवी जो है हमारी, एनएवी जो है, तो समझो एनएवी हमको वापस से समझना पड़ेगा, भैया 50,000 की हमारी वैल्यू थी, ठीक है 50,000 की हमारी यूनिट थी, अब इसमें जो है सिंपल सी बात है 90% ऐड करोगे तो तुम्हारा जो है मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक, अब मार्केट प्राइस आ गया तुम्हारा, अब ये जो मार्केट प्राइस है उसमें डिविडेंड का रोल है 5,000 का, तो 90,000 आया, तो 90,000 जो है तुम्हारा डिवाइड बाय जो तुम्हारी नंबर ऑफ यूनिट है, इससे तुम्हारा एनएवी आ जाएगा 31/3/11 का, क्योंकि तीन कंपोनेंट होते हैं, याद रखो तीन कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक तो होता है चेंज इन एनएवी, एक होता है डिविडेंड यील्ड और एक होता है कैपिटल गेन। ठीक है, रिटर्न निकाल रहे हो तो तीनों को साथ में लो, अदरवाइज तो एनएवी ही हमको देखने का है। चलो
अब ये जो डिविडेंड है कितना डिविडेंड है, 5,000 डिविडेंड है। ये जो तुमने कमाया वो तुमने री इन्वेस्ट करा, ठीक है, तो वो तुमने री इन्वेस्ट करा, अब री इन्वेस्ट कब करोगे? री इन्वेस्ट करोगे आप एनएवी पे, तो री इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो 18 पे आपने री इन्वेस्ट करा, ठीक। ये जो री इन्वेस्टमेंट करा है तो इस तरीके से आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट हो गई है वो यूनिट हो गई है 277.78, ठीक है, वो एडिशनल हो गई है। तो अगर हम देखें 31/3/11 की यूनिट, वो यूनिट हो गई है 5277.78, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखें 31/3/12, 20% डिविडेंड है एंड कैपिटल गेन 0.60 पर यूनिट है। अब देखो 20% डिविडेंड है तो 5277.78 इंटू 10 इंटू 0.2, यह आया हमारा 10555.56। ये जो है हमारा डिविडेंड है। फिर क्या उसके बाद आती है बात कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन भी देके रखा है कि 5277.78 इंटू 0.60, तो कैपिटल गेन आ गया 3166.67। ये आ गया हमारा टोटल 13722.23। ये जो है ये हमारा टोटल गेन है, ठीक, ये हमारा टोटल गेन देख रखा है। एनुअलाइज यील्ड, अब क्या बोला है, लेट एक्स बी द एनएवी। अभी तो एनुअलाइज यील्ड तो देख ही नहीं रखा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो 50,000 हमारी अगर ओपनिंग यूनिट, अपना ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, इधर इन्वेस्टमेंट था, फेस वैल्यू 10 थी, ये था हमारा 1/7/10 को, फिर हमारा आया 31/3/11, 31/3/11 को हमने क्या किया, जो है डिविडेंड जो है 10% हमने पे करा। यील्ड जो है, एनुअलाइज यील्ड जो है, वो यील्ड पूरा देके रखा है 120%। तो सर सभी शामिल है, एनुअलाइज यील्ड देके रखा था सभी शामिल है, तो हमने कर लिया था ना 9। अब एनुअलाइज यील्ड देके रखा था तो हमने इसको 9 मंथ निकाला था, ठीक है, तो 9 मंथ निकाला था तो 90% हो गया था। 50,000 हमने 90% ऐड करा, 95,000 आया, उसमें 5,000 माइनस करा, ठीक है, वो डिवाइड बाय 50,000 कर दिया, तो उसमें से 5,000 माइनस किया तो 90,000 आया, वो डिवाइड बाय, ठीक है, हमने नंबर ऑफ़ यूनिट कर लिया, क्योंकि जो है इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 के करे थे, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, यूनिट थे 5,000, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट करा था, तो एक तरीके से हम बताएं तो एनएवी हमारा 18 आ गया था। ये एनएवी हमारा आ गया 18, ठीक है। जो डिविडेंड है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो जो है 5,000 डिवाइड बाय 18, मतलब वो री इन्वेस्ट हुआ, तो 277.78 आ गया। अब 31/3/12 की तरफ अगर हम बढ़े तो ऑब्वियस सी बात है 31/3/12 में हमको नई चीज़ें देखने को मिली थी, जिसमें हमको डिविडेंड मिला था 20% और कैपिटल गेन दे के रखा था 71.5। एनएवी के बारे में जानकारी नहीं थी, कैपिटल गेन दे के रखा था 0.60, पर हमको एनएवी के बारे में जानकारी नहीं है, और जो है रिडीम 6271.98 व्हेन इज एनुअलाइज यील्ड वाज 71.50। ये अगले साल की बात कर रहे हैं कि जब उसका एनुअल यील्ड जो है 71.50 है तब उसने रिडीम कर लिया। अब समझो इसमें हम जो है कैसे निकालेंगे कि भैया हमारा एनएवी क्या था उस टाइम, क्योंकि हमको एनएवी 3 साल की निकालनी है, तो हम एनएवी कैसे निकालेंगे? तो लेट एक्स बी द एनएवी एज ऑन 31/12, नहीं पता तो एक्स मान लो, देन द नंबर ऑफ यूनिट। अब सिंपल से बात है, अगर एक्स है हमारी एनएवी तो ऐसा करते हैं, हम पहले गेन निकाल लेते हैं, क्योंकि गेन को हम जो है न्यू एनएवी पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 31/12 की, तो हम गेन निकाल लो। गेन कितना है? 20% है, 20% हमारा है जो वो है, 20% डिविडेंड है और 0.60 कैपिटल गेन है, तो करो। तो देखो 5277.8 इंटू 10 करा, इंटू 0.2 करा हमने, और 5277.78 करा इंटू 0.60 करा, तो 137722.23 आया। अब इसको ही तो हम एक्स पे इन्वेस्ट करेंगे, तो 137722.23 डिवाइड बाय एक्स करेंगे, तो इसको ही तो एक्स पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इससे हमारी जो है नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगी, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, री इन्वेस्टमेंट करा तो नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगी, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 5277.78 प्लस 137722.23 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू क्या है, इन्होंने कितनी बेची, 6271.98 इज इक्वल टू 6271.98, ठीक है, इन्होंने रिडीम कर ली, तो इससे हम एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे एक्स, तो हमारा एक्स कैलकुलेट हो जाएगा,
ठीक है। अब जैसे ही हमारा एक्स कैलकुलेट हुआ तो हम समझ जाते हैं कि भैया 5277.78 प्लस जो नंबर ऑफ यूनिट है हमारी, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है वो है 99.42। तो हमारी जो एडिशनल यूनिट आई है, हमारी जो एडिशनल एनएवी आई है, राइट। सो हमने यही करा है कि एनएवी जो है डिफरेंस 137.22 ये हमारा गेन था, ये गेन था हमारा 137.22.23। एनएवी निकालने के दो तरीके थे, तो ये दूसरा तरीका है एक एडिशनल कि इसमें 6271 जो है हमारा, 6271 क्या है हमारे लास्ट की यूनिट से, और 5277.78 हमारी बिगनिंग की यूनिट थी, तो डिवाइड बाय यूनिट और जो है बीच में जो इनकम है इससे हमने एनएवी निकली है 13.80। फिर जो अब बात आती है हमारी नेक्स्ट, ठीक है, बात हमारी आ रही है हमारी नेक्स्ट ईयर की, तो ऐसे केस में 50,000 है और उसमें नेक्स्ट ईयर में क्या बोल के रखा है, नेक्स्ट ईयर में एनुअलाइज यील्ड देख रखा है, मतलब यील्ड देख रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 50,000 इंटू 1.715 इंटू 12 इंटू 33, 33 महीने का कैलकुलेट कर लिया, और इस तरीके से हमारा जो है डिवाइड बाय 6271.98, मतलब कि 6271.98 हमारा एक तरीके से जो है ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट है। सो इससे हमारी एनएवी आ गई। सो इस तरीके से जो है हमने कुछ नई चीज़ें समझी है कि री इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है एनएवी के रिस्पेक्ट में कि करंट ईयर इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एडिशनल, नंबर ऑफ यूनिट जो एडिशनल है, और एडिशनल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एडिशनल यूनिट, वो भी इससे भी हम एनएवी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एनएवी निकालने का जो वैल्यू रहती है वो यूनिट वैल्यू प्लस एनुअलाइज यील्ड माइनस डिविडेंड इफ एनी जो रहता है, इस तरीके से भी हम एनएवी निकालते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। इसके ही रिस्पेक्ट में जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस और है, इसी टाइप के क्वेश्चन है री इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन, तो इस पर हम ध्यान दे देते हैं। चलो तो हम जो है इसको क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्या बोल के रखा है कि एक सात दो हज़ार सात को इनिशियल ऑफर ऑफ सब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, यूनिट है हमारी 10,000 यूनिट, ठीक है। अब देखो तो 10,000 यूनिट है, फेस वैल्यू 10 रुपये। अब ध्यान देना 31-3-8 प्रेजेंटेशन एक बार प्रॉपर हो जाए ना तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। डिविडेंड आप पे कर रहे हो 10%, डिविडेंड है 10%, और ठीक है, और एनुअलाइज यील्ड देखो एनुअलाइज यील्ड आया ना, एनुअलाइज यील्ड कितना है हमारा 153.33%। चलो फिर 31-12-2009 मतलब कि पहले का तो जो है 9 महीने हैं, फिर वापस 9 महीने आ गया, 31-12-2009 को क्या है 20% डिविडेंड दे रहे हैं। चलो डिविडेंड हमारा 20%, ठीक है, और 31-3-2010 ये वही 31-3 मतलब कि वही अगले 3 महीने बाद, मतलब कि 12 महीने, ठीक है, ये हमारा जो है 12 महीने ये भी हो गया। क्या है कर रहे 31-3-2010 को, 31-3-2010 को रिडीम कर लिए जो है, क्या रिडीम करा 11296.11 यूनिट, व्हेन हिज एनुअलाइज यील्ड वाज 72.5 73.52, एनुअलाइज जो है वो 73.52% है। व्हाट आर द एनएवी ऑन 8, 9, and 10। चलो 8, 9, and 10 पे हमको एनएवी निकालना है, सिंपल सी बात है कि भाई यूनिट है आपकी 10,000, 10 रुपये आपकी वैल्यू है तो 1,00,000 है, 1,00,000 पे 153.33% कैलकुलेट होगा, बट समझो ना 153.33% तुम्हारे एनुअलाइज को 9 मंथ का करो वो 115%, तो 1,00,000 का 115% ऐड कर लो तो 2,15,000 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या डिविडेंड माइनस करोगे, हाँ 10,000 माइनस 10% 10,000 डिविडेंड तो 214,000 आया, 214,000 डिवाइड बाय जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारी 10,000, तो कितना आया 214,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट 10,000 है, तो ये आया हमारा 21.4। अब देखो 21.4 हमारा क्या है, 21.4 हमारा जो है एनएवी है 31-3-8 की, ठीक है,
वन सेकेंड, 2 लाख, 2 लाख 15 हज़ार माइनस 10 हज़ार डिवाइड बाय 10 हज़ार, ओके 20.5, ठीक है। तो 2 लाख 15 नहीं, 2 लाख 15 डिवाइड माइनस 10 डिवाइड बाय 10, हाँ ठीक है 20.5 आया, गलती से 21.4 हो गया, 20.5 आ गया था। अब जो है ये 20.5 पे री इन्वेस्टमेंट होगा, ये तो 10,000 यूनिट है ना, 10,000 का 20.5 पे री इन्वेस्टमेंट हो गया, तो 487.80 आया, ठीक है 487.80, ठीक है। तो डिविडेंड वॉज री इन्वेस्टेड बाय 487.80। अब सिंपल सी बात है, अगर हम देखें अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले साल के पहले ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है। हमारा जब टोटल यूनिट हो गए हैं, वो टोटल यूनिट अब जो है वो है 10487.80, 10487.80, ठीक है। तो यूनिट्स जो है 10487.80। अब डिविडेंड 20% डिस्ट्रीब्यूट करो, अब सॉरी डिविडेंड 20% डिस्ट्रीब्यूट करा है तो ठीक है, 10487.80 का जो है इंटू 10 इंटू 20%, ये टू जो है 20975.6, चलो ठीक है ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब देखा जाए तो इन्होंने जो है कब डिस्ट्रीब्यूट किया, 31/12/2009 को, 31/12/2009 को, ये 31/12/2009 नहीं होना चाहिए, 31/3/2009 ही होना चाहिए, ये डायरेक्ट 31/3/2009 है। तो डिविडेंड एज ऑन 31/3/2009 है वो है 20975.60। फिर जो है 31/3/2010, एक साल बाद जो है इन्होंने 11296.11 यूनिट बेच दी। तब समझो बात को समझो, अभी हमारे पास जो है 10487.80 थे, ठीक है। अब 10487.80 थे, इसमें कुछ री इन्वेस्टमेंट हुआ क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ री इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो 20975.6 को एक्स पे कुछ री इन्वेस्टमेंट करा होगा, जो 31/3/2009 की एनएवी होगी और इज इक्वल टू 11296.11 आएगा। तो हम कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करा तो जो है एक्स हमारा जो आ गया 25.95 आ गया, 25.95 हमारा एक्स आ गया। इस तरीके से हमारी एनएवी 25.95 आई, 20975.6 था डिवाइड बाई 25.95 था, ये 808.30, 808.30 जो है ये नंबर ऑफ यूनिट आ गई। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 1048 वन सेकेंड, जो एडिशनल जो है हमारी यूनिट है वो क्या आई, 20975.6 माइनस 25.95, ये ओके ठीक है। तो हमारा जो है 11104.87.80 माइनस 11296.11, ये हमारी जो एडिशनल यूनिट है वो 808.31 हमारी एडिशनल यूनिट आ गई। अब सी ये जो है, अब रिडीम कर रहे हो 11296.11 यूनिट, ठीक है। अब 11296.11 यूनिट अगर आप रिडीम कर रहे हो, एनुअलाइज यील्ड देख रखा है 73.52। अगर आप देखो तो ये जो जो महीने होते हैं ये कितने महीने होते हैं, 12/12 33 महीने होते हैं। तो डिविडेंड को आप पहले ठीक करो, ये 31/12/2009 नहीं है, 31/3/2010 है, 31/3/2009 है। ऐसे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है 28, 29, 27 क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। अब आ रही बात 31 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ओके चलो। तो 31 क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है ध्यान से इसको भी समझना, ठीक है ये भी हो जाएगा हमारा प्रॉपर। चलो तो अभी अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि समझो भाई 1/4/12, तो 1/4/12 को ABC म्यूचुअल फंड इशू करते हैं 20 लाख यूनिट, ठीक है 20 लाख यूनिट इशू करा और 10 रुपये, ठीक है। रेलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व 12 लाख, तो इशू करे 20 लाख यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, तो रुपये आए हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि 1/4/2012 को ABC म्यूचुअल फंड ने इशू करे 20 लाख यूनिट एट 10 पर यूनिट, और ठीक है इनिशियल एक्सपेंडिचर 12 लाख रुपये लगे हैं। इट इन्वेस्टेड द फंड, देखो अमाउंट आया और गया क्या है एक्सपेंडिचर में 12 लाख रुपए। फिर इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेज इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेज इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू द बिल्ड अ पोर्टफोलियो 185 लाख। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको जो है 200 लाख आपके पास है, 12 आपके एक्सपेंडिचर के लगे,
और जो है 185 पोर्टफोलियो बिल्ड करने में लग गए। ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 2012 मतलब कि मंथ के दौरान ही डिस्पोज ऑफ सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 60 लाख फॉर 63 लाख डिस्पोज करे कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसके कॉस्ट है 60 लाख कितने में डिस्पोज करे 63 लाख में तो आपकी प्रोसीड्स हो गई ठीक है एंड यूज द प्रोसीड्स इन परचेसिंग द सिक्योरिटी 56 लाख चलो ठीक है आपने 56 लाख ये परचेस करे तो आपने सिक्योरिटी परचेस करी ठीक है। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 12 बहुत 8 लाख फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 8 लाख है पर 90% अरियर 90% जो है 10% अरियर है 90% जो है एक्सपेंडिचर है ठीक है। अब ये हो गई हमारी बात इन अप्रैल 2012 फंड अर्न डिविडेंड डिविडेंड अर्न किया तो डिविडेंड अर्न किया 2 लाख रुपये जिसमें 80% डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिविडेंड रिसीव किया 2 लाख रुपये जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 1.60 डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग रियलाइज्ड अर्निंग है। अब समझो कि जब 60 की कॉस्टिंग को 63 में बेचा था तो कायदे से अगर हम देखें तो 3 का जो हमारा कैपिटल गेन है उसका 80% उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2.40 आ जाएगा। और 30/4/2012 मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 198 है ओके तो ये सब हमारा कैश और बैंक बैलेंस की बात कर ली और अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो 198 रुपीज़ है। आकाश इन्वेस्टर सब्सक्राइब 100 यूनिट ऑन 1/4/2012 अब आकाश जो इन्वेस्टर है उसे 100 यूनिट सब्सक्राइब करे थे ऑन 1/4/2012 एंड डिस्पोज ऑफ सेम एट क्लोजिंग एनवी तो एनुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या है देखो अब हमने क्लोजिंग एनवी हमको निकालने की तो सबसे पहले हमने क्लोजिंग नेट एसेट निकाल ली अब हमको नंबर ऑफ़ यूनिट निकालनी नंबर ऑफ़ यूनिट हमको 20 लाख दे के रखे तो हमारी एनवी पर यूनिट आ गई 9.9। अब जब एनवी आ गई हमारी 9.9 अब हमको एनुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालनी है। अब एनुअल रेट ऑफ अर्निंग में अपन ने ये समझा था कि 3 कंपोनेंट होते हैं एनुअल रेट ऑफ अर्निंग में हमने ये समझा था भैया कि 3 कंपोनेंट होते हैं कौन से इनकम कैपिटल गेन ये सब चीज़ें होती है ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो जो एनुअल रेट ऑफ अर्निंग है ये अर्निंग किसके लिए होगी वो आकाश के लिए पूछ रहे हैं आकाश के लिए अर्निंग कितनी होगी तो भैया आकाश के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1.6 क्योंकि डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 80% डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना तो अर्निंग फंड ने अर्न करे डिविडेंड 2 लाख 80% डिस्ट्रीब्यूट करा है ठीक है। आकाश तो जो है अगर हम बात करें 80% डिस्ट्रीब्यूट करा है तो कहकर से 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब 1,60,000 अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है तो 1,60,000 डिवाइड बाई 20 लाख तो एक तरीके से हमारे पास जो होता है 20 लाख तो एक यूनिट की आ जाती है पर इधर तो 100 यूनिट हेल्ड कर रहा है ना। अगर हम देखें तो इनकम जैसे कि हमने रिसीव किया है तो उसने कितने इनकम रिसीव करा है 2.4 लाख है ठीक है 1.6 लाख है ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको मिला डिवाइड बाई 20 तो एक यूनिट के लिए अगर हम बोल सकते हैं एक यूनिट के लिए 0.20 की इनकम रिसीव्ड है। रही बात आती है हमारी डिस्पोजल की अब लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कि भैया लॉस ऑन डिस्पोजल इसलिए कि हमारे पास कितने की नेट एसेट थी अगर हम पर यूनिट ही देख रहे हैं तो 10 रुपये की हमारी नेट एसेट थी अब वो हो गई है नेट एसेट एट क्लोजिंग अगर हम क्लोजिंग एनएवी की बात करें वो 9.9 हो गई है तो इस तरीके से लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया तो एक तरीके से नेट अर्निंग ऑन 1 यूनिट वो 0.10 है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें एक यूनिट जो है कितने का है अगर हम देखें एक यूनिट वो 10 रुपये का है तो एक यूनिट पे अर्निंग 0.10 की है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 है तो एक तरीके से 10% का 1% है 0.1 तो रेट ऑफ अर्निंग जो हमारी है वो अर्निंग ऑब्वियस सी बात है ये जो रेट ऑफ अर्निंग आ जाएगी ये होल्डिंग पीरियड आ जाएगा तो रेट ऑफ अर्निंग जो है हम सिंपल सी बात है रेट ऑफ अर्निंग जो है वो मंथली आएगा क्योंकि एक महीने का देख रखा है तो ऑब्वियस सी बात है साल भर का निकालेंगे तो 12% आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है हमने 31st क्वेश्चन भी ओवर किया है इधर रेट ऑफ अर्निंग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था। आती है बात हमारे अगले क्वेश्चन की तो सन मून म्यूचुअल फंड अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम तो सन मून म्यूचुअल फंड है एक अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड है जिन्होंने स्पॉन्सर किया है ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड और देवर 3 प्लान डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान बोनस प्लान और ग्रोथ प्लान ठीक है। तो सी अभी हमारे पास जो है 31 से जो क्वेश्चन है हम 31 से क्वेश्चन जो है 31, 32, 36, 37, 39, 39, 40, 41
इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो टिल देन हमने जो है पीएम के जो म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन है वो हमने करे हैं, ठीक है। अब हम इसके बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, बाय।